नमस्ते, दयासरा फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आज चौथा दिन है और चौथा वीक है जब हम कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। आज हमारे पास दयासरा फाउंडेशन के सेशन में क्षितिज पटवर्धन, ये जो मराठी के स्क्रीन राइटर है, वो आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम क्षितिज। क्षितिज वेलकम। थैंक यू आनंद। एंड इट इज आवर प्लेजर, हमारा भाग्य है कि आज क्षितिज इज विथ अस। दयासरा फाउंडेशन के जो सेशंस चल रहे हैं उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ थोड़ी बातें कर रहे हैं। इसमें कुछ लर्निंग्स है, उनके बिजनेस के बारे में कुछ टिप्स है और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन चालू है। तो पहले कुछ वीक्स में हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना, भास्कर करके हमारे मेंटर है उनसे, और पिछले कुछ दिनों से हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ऐसी कुछ विषयों पर बात कर रहे हैं। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, इन दो विषयों पर बोलने के लिए हमने क्षितिज को इनवाइट किया है। तो क्षितिज इज अ स्क्रीन राइटर एंड ही हैज रिटन लॉट्स ऑफ मराठी फिल्म्स एज वेल एज वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के एरिया में भी बहुत काम कर चुके हैं और आज वो यहाँ पे हमारे साथ बातें करने के लिए आए हैं। तो पहला मैं क्षितिज को ऐसा पूछना चाहता हूँ कि क्षितिज, हमारे साथ बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो आप बिजनेस की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ के किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड आई होप आनंद यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली। हाँ मैं ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ जो एक आदमी की एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही शुरू हुई है, दैट इज दादा साहब फाल्के। सो मुझे लगता है कि दैट सम्स अप माय आइडिया अबाउट बीइंग एंटरप्राइजिंग, बिकॉज अगर वो एंटरप्राइजिंग नहीं होते तो शायद आज मैं आपके साथ 70-80 साल बाद ये बात नहीं कर पाता। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक विजन होना, एक ध्येय होना, एक जिम्मेदारी होना, ये सब चीजें एक बिजनेस को, एक 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 थॉट को प्रोत्साहित करती है, एक आदमी को प्रोत्साहित करती है कि वो कुछ नया करे, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करे जो जिससे वो ज्यादा लोगों की लाइफ और अच्छी कर सके। तो आई थिंक मैं बिजनेसमैन को या फिर बिजनेस को उस तरीके से देखता हूँ कि ये एक मीडियम है जिससे आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनकी जिंदगी किसी न किसी तरीके से आसान या एनरिच कर सकते हैं। क्षितिज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई कैन रिमेम्बर हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री करके मराठी फिल्म है और बहुत अच्छी तरह से उसमें दादा साहेब फाल्के जी का लाइफ दिखाया गया है। तो इट वाज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स आल्सो दैट ईयर। राइट एंड रिस्क टेकिंग एंड कॉन्फिडेंस दैट समबडी हैज, एंड दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन के लिए, बहुत ही जरूरी है। Absolutely. और उसमें एक इंसिडेंट ऐसा भी है आनंद, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट देयर इज एन इंसिडेंट दैट वेयर अ पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड इज आस्क्स दादा साहेब फाल्के दैट वेदर ही वांटेड टू रिमेन इन इंग्लैंड ओनली एंड डू सिनेमा देयर, एंड टू व्हिच पोलाइटली ही सेज नो, एंड ही सेज दैट अगर मैं यहाँ पे रहा तो इंडिया में ये कौन शुरू करेगा। तो मुझे पता है कि इंडिया में करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा अड़चन है, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो ये नहीं होगा शायद, इसलिए मुझे वहां पर जाके यही कैमरा खोल के फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। आई थिंक दैट सम्स अप द एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट लाइक एनीथिंग। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव सीन इन अ मूवी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो सेल्फ रिलायंस, और मैं ये बात करूंगा तो आई थिंक क्षितिज एज अ स्क्रीन राइटर ऑल्सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप ऐसे एरिया में काम करते हैं स्क्रीन राइटिंग जो पर्दे के पीछे होता है, और उसमें भी बहुत सारी रिस्क आपने ली होंगी, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मेरा भी एक तरीके से मुझे हमेशा ये लगा था कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ एंटरप्राइजिंग करूं। मुझे लगता है कि एंटरप्रेनर होना और एंटरप्राइजिंग होना, ये दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स।
तो मुझे लगता है कि एंटरप्राइजिंग होना एक अपने में बहुत बड़ी बात है, और मुझे मैं कहूँगा गर्व नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मुझे ये महसूस होता है कि जिंदगी में आज जो कुछ मैं कर पाया हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं अपनी पैशन के बारे में, मुझे जो लगता है उसके बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में मैं हमेशा एंटरप्राइजिंग रहा हूँ। जैसे कि मेरी 10th एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने इमीडिएटली जॉब शुरू किया। मैं एक डेयरी में काम करता था जहां पर मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर था, तो वहां से मुझे धीरे धीरे बिजनेसेस कैसे चलते हैं, आई वॉज वर्किंग विद अ कुरियर फर्म फर्स्ट, देन आई वॉज वर्किंग विद अ डेयरी फर्म, तो धीरे धीरे मुझे बिजनेसेस कैसे होते हैं, और एक इंसान बहुत सारे रिस्क लेकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके एक मकाम कैसे हासिल कर सकता है, इसका आंखों देखा हाल मुझे उन बिजनेसों में से देखने को मिला। तो मेरा भी हम जैसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने में, इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनने में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे एंटरप्राइजिंग बनना है, लेकिन मुझे राइटिंग में एंटरप्राइजिंग बनना है। एक बहुत अच्छी बात ऐसी है कि आज श्रीरंग गोडबोले नाम के बहुत बड़े मराठी राइटर है, उनका बर्थडे है, तो उनको मैं विश करूंगा, और वो एक ऐसे आदमी है जिन्होंने मेरे लिए राइटिंग ये जो चीज है वो एंटरप्राइजिंग करके दिखाई है। मतलब एक ही चीज पकड़ी राइटिंग, फिर उसको एडवर्टाइजिंग में डाला और एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, फिल्मों में डाला तो फिल्म राइटिंग हो गया, टेलीविजन में डाला तो टेलीविजन राइटिंग हो गया, या फिर कॉर्पोरेट्स में डाला तो कॉर्पोरेट राइटिंग हो गया। तो ही हैज डाइवर्सिफाइड वन सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ राइटिंग, राइटिंग गुड आइडियाज एंड राइटिंग गुड स्क्रिप्ट्स इनटू सो मेनी डाइवर्सिफिकेशंस। सो मुझे मेरा काम करते करते ऐसा लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और फिर धीरे धीरे जैसे हम बिजनेस एक्सपेंशन बोलते कि विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ द कोर ब्रांच कोर थिंग वी ट्राई टू एक्सटेंड आर थिंग्स। और हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि हम लोग ज्यादा किसी चीज पर निर्भर नहीं रह सकते। मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो हमने 10 साल पहले ही वो अपना लिया था कि कैसे आत्मनिर्भर बनना है इस एरिया में। सो आई स्टार्टेड एंटरप्राइजिंग माय राइटिंग। सो मैंने फिल्में लिखना शुरू किया, प्लेज लिखना शुरू किया, एडवर्टाइजिंग लिखना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने इवेंट्स लिखना शुरू किया। ये सब लिखना मैंने शुरू किया, इसमें मुझे बहुत बड़ी एक पैशन परस्यू मैंने की, बहुत बड़ा जिसे कहते समाधान, जिसे कहते कि बहुत बड़ा एक पीस ऑफ माइंड उसमें मिला, कुछ नई चीजें मिली, नए लोग मिले, और जैसे कहते थोड़ा बहुत फेम मिला, थोड़ा बहुत पैसा भी मिला। तो मुझे लगता है कि ये एंटरप्राइजिंग होना हर चीज में, एक स्टूडेंट होना, नए सिरे से वो चीज सीखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग्स विच आई लर्न आउट ऑफ ऑल दीज मीडियम्स। सो उस हिसाब से अभी चल रहा है, और अभी मैं इस मकाम पे हूँ कि कोरोना की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री में एक रीशफलिंग सा हुआ है। बड़े बड़े एलिस्टर्स लोगों की जो फिल्में हैं वो अभी डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और वी हैव अ न्यू चैलेंज एज अ राइटर इन आवर हैंड्स दैट वी हैव टू केटर अ न्यू ऑडियंस, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ कंटेंट जहां पे लोग अपने स्पीड से वो कंटेंट कंज्यूम करेंगे। आज तक ऐसा होता था कि लोग सिनेमा हॉल में आते थे और सिनेमा हॉल की स्पीड में घुल मिल जाकर वो कहानी देखते थे, लेकिन अब हमें एज अ राइटर उनके स्पीड में घुलकर उनको कहानी बतानी है। आई थिंक दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। आई एम वर्किंग ऑन फ्यू स्क्रिप्ट्स व्हिच आर वेब फिल्म्स एंड वेब स्टोरीज, बट जैसे कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना तो हर बिजनेसमैन को करना पड़ता है, हर एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है, तो उसी तरीके से उसी सिरे से काम फिर से हमने शुरू किया है, जिसे हम जीरो से स्टार्ट बोलते हैं, वैसा हम लोग अभी फिर से जीरो की लाइन पे खड़े, एंड लेट्स होप दैट वी क्रैक दिस न्यू एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग ऑल्सो। Hopefully we'll be enough enterprising to discover this area also. क्षितिज, ये जो आपने बोला कि राइटिंग को एक एंटरप्राइजिंग एक्टिविटी करके आपने देखा, तो इसमें दो बातें हुई होंगी कि बाकी लोगों का उसमें आपको कुछ अपोजिशन हुआ होगा, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जहां पे आप जो है वो कर रहे वो वैल्यूएबल है नहीं मालूम नहीं है, और दूसरी बात अपने दिमाग में भी बहुत सारा केओस होता है, तो केओस को आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि प्रेशर रहता है, टाइम का प्रेशर रहता है, बिल्कुल, हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, मुझे राइट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना आपको बहुत डिजेक्ट करने पे तुले हुए होते, दे ऑलवेज वांट टू से नो। मैं एक एजेंसी में काम करता था, वहां पे एक प्रोडक्शन का आदमी था,
और प्रोडक्शन के आदमी और क्रिएटिव आदमी, ये दोनों में कभी भी बनती नहीं है, मतलब ये जिंदगी में एक साथ कभी रह नहीं सकते। इट्स लाइक गब्बर एंड ठाकुर, ये एक बोलेगा तो वो ना ही बोलेगा, ऐसा सिचुएशन होता है। तो मैं जो कोई नया आइडिया उसको बताता ना, वो पहली चीज वो ये बोलता था ये नहीं हो सकता, ये फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एंड एक्चुअली उसी वजह से मेरे दिमाग में ये शुरू हुआ कि अगर ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो शायद मुझे जगह बदलनी चाहिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है तो मुझे मेरा थॉट बदलना चाहिए, मुझे मेरी आइडिया बदलनी चाहिए। मैंने हमेशा यह सोचा कि ये आदमी को ये पॉसिबल नहीं लगता। आई वुड लाइक टू एम्फोसिस ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर आनंद। बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों में जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल होता है वो बहुत बार दूसरे लोगों की सर्टिफिकेट देने की वजह से कहीं ना कहीं दब जाता है, मर जाता है। क्योंकि दूसरा आदमी ये सोचता है कि हम लोग ये नहीं कर सकते, दूसरा आदमी ये सोचता है कि मार्केट में ऐसी कंडीशन नहीं है, दूसरा आदमी ये सोचता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको हम एक प्रमाण मान लेते हैं और अपना दुकान बंद करते हैं। मतलब वी पुल द शटर डाउन एंड वी थिंक कि अभी ये नहीं होगा। बट जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें एक डॉक्टर ने एक सलाह दी तो हम लोग सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, whether he is right or wrong, just to check that. वैसे ही मुझे लगता है कि अपना आइडिया हो, अपना बिजनेस आइडिया हो या फिर अपना काम हो, उसके बारे में आप लोगों से बिल्कुल सलाह मशवरा कीजिए, 100% कीजिए, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट को जो लग रहा है ना वो आप 100% करके देखिए। क्योंकि आई थिंक दैट इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप वो नहीं करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हैं। मेरी एक बहुत फेवरेट फिल्म है लक बाय चांस नाम की, उसमें एक बहुत मजेदार वाक्य है। उसमें ऐसा है कि कोंकणा सेन शर्मा एंड फरहान अख्तर दे बोथ वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप और वहां पे कूपन भर के रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है, ऐसा स्कीम चल रहा है। तो कोंकणा सेन बोलती कह रही ये तो क्या मतलब, ये कितने लोग भरते होंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम कूपन भरेंगे और वो रेफ्रिजरेटर हमें मिल जाएगा। टू विच फरहान अख्तर सेज कूपन नहीं भरेंगे तो फ्रिज मिलने का कोई चांस नहीं है, बट अगर कूपन भरेंगे तो फ्रिज मिलने का कोई चांस तो है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ स्लाइट लाइन, इट्स अ थ्रो अवे लाइन, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट गिव्स यू, जैसे हम मुझे हमेशा लगता है कि फिल्मों ने मुझे सिर्फ अच्छे मोमेंट्स नहीं दिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसॉफी दी है। जैसे थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर 16 हड्डियां टूटकर जब इंटरव्यू पर आता है और वो ये सेंटेंस बोलता है कि सर मैं अपनी लाइफ के साथ ना कुछ ढंग का कर लूंगा, आई एम गेटिंग goosebumps right now, कि ये कैरेक्टर, जब एक कैरेक्टर ये बोलता है इतना कुछ सहने के बाद, होने के बाद, कि मैं शायद मैं कुछ ना कुछ ढंग का कर लूंगा। तो मुझे हमेशा जिन जिन लोगों ने मुझ पे सवाल उठाए तो उनको मैं हमेशा दिल में यही कहता रहा कि आप मत चिंता कीजिए, मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का कर लूंगा। वो इंस्टिंक्ट, आपका इंस्टिंक्ट आपका सबसे बड़ा गाइडलाइन है, आपका सबसे बड़ा गाइडिंग लाइट है। यू शुड फॉलो योर इंस्टिंक्ट इन फर्स्ट प्लेस, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। या सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का कहना किस हद तक आपको मानना है ये आपने डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपनी विजन जो पूरी नहीं कर पाते वो आपके सक्सेस या फेलियर में देखना चाहते हैं। जो आदमी खुद की जिंदगी में फेलियर बन चुका है या फिर फेलियर महसूस कर रहा है, उसे बहुत कम बार ऐसा लगता है कि ये मैं जो सुन रहा हूँ ये बहुत स्ट्राइकिंग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कुछ अलग है और मुझे इसे इनकरेज करना चाहिए। तो आप ही खुद के सबसे बड़े इनकरेजमेंट करने वाले हो, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यू आर ऑल अलोन। बिल्कुल। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन अ स्प्री ऑफ लर्निंग। आप जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइफ इज राइडिंग अ बाइसिकल टू कीप द बैलेंस यू हैव टू मूव ऑन, आपको हमेशा आगे चलते जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आप अगर रुक गए तो आप खत्म हो गए। तो यही मुझे किसी भी बिजनेस की बहुत बड़ी चीज लगती है। मैं कल ही जैक मा का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे इतना, मतलब इतना बोला कि अरे तू क्यों कर रहा है, ये ईबे है, ये है, वो है, तो फिर से अलीबाबा क्यों है। और उन्होंने उस पर एक आंसर दिया जिसमें उनकी ब्रांड की फिलोसॉफी थी। आपको सबको ताज्जुब होगा, उन्होंने फॉरेस्ट गम फिल्म का एग्जाम्पल दिया कि जिस एंटरप्राइजिंग तरीके से फॉरेस्ट गंप में वो टॉम हैंक्स
जो जो चीजें करता है, तो वो इतना उनको इंस्पायरिंग लगा, आदर्श लगा, कि उन्होंने उस तरीके का कुछ करने का चाहा जिंदगी में। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों से सर्टिफिकेट ना ले, आपकी आइडिया कैसा है या फिर आपकी आप जो इस्तेमाल करने वाले हैं, आप फिर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या आप जो चीज बनाने वाले हैं उसके बदले में, यू डोंट नीड पीपल सर्टिफिकेट दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर, और आप ब्रिलियंट हो या अच्छे हो बुरे हो, आप मशवरा सलाह बिल्कुल लें। सेकेंडली, अपना कमिटमेंट अपने से रखें, ये मुझे बहुत जरूरी लगता है। और तीसरी बात, जैसे मैंने बताई कि यू हैव टू मूव अहेड, यू हैव टू मूव अहेड विद टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षितिज, मूव अहेड विद टाइम इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, टाइम मैनेजमेंट। थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे बोले तो यू हैव टू कीप मूविंग विद टाइम, और उसमें प्रेशर होता है। तो आप तुम कैसे मैनेज करते हो टाइम को, क्योंकि लिखना ये तो ऐसी चीज है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम में से बहुत सारे लोग लिखने में बहुत लेजी है, तो कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट दोनों बातें तुम कैसे करते हो? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों पर, और आजकल तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अब सोशल मीडिया पे व्यतीत होने लगा है, बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा। इट्स अ बिग बिग डिस्ट्रैक्शन टू ऑल ऑफ अस हु आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन एन आइडिया, हु ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग। क्रिस्टोफर नोलान नाम के जो बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि मैं मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता, मैं मेल्स पर अवेलेबल रहता हूँ, और मैं सिर्फ मेल पर अवेलेबल रहता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ काम का या जो जरूरी है बातें वही मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट ऐसा एक मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आती है कि उनको जो डिस्क्राइब किया है हिस्टोरियंस ने, उसमें एक बहुत अमेजिंग वर्ड है जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है पुणे के थे नरेंद्र जाधव, उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज अष्टावधानी थे। तो अष्टावधानी मतलब एक वक्त पर आठ चीजों में ध्यान होना। एंड ही सेड कि उसको अंग्रेजी प्रतिशब्द नहीं है, अष्टावधानी शब्द को अंग्रेजी प्रतिशब्द नहीं है। आप देखिए उन आठों चीजों में, मतलब अपना राज्य बढ़ाना हो, अपनी जो प्रजा है उनका उनकी रक्षा करना हो, फसलों की चीजें हो, युद्ध की नीति हो, शाही से लड़ना हो, छह सात अलग अलग तरीके की चीजें हैं जिसे एक आदमी एट अ टाइम पूरे माइंडफुलनेस के साथ हैंडल कर रहा है। 100% मेडिटेटिव स्टेट जिसे बोलते हैं, वो स्टेट में हर चीज कर रहा है। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग लेसन। हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के, एंटरप्रेनर के, इसके उसके, लेकिन हमारी भूमि में, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने एंटरप्रेनरशिप की वो मिसालें खड़ी की है जो दुनिया में कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, मैं हर रोज हर रात को उनके ऊपर जो जो लेक्चर्स होते हैं, मैंने कल ही नरहर कुरुंदकर जी का बहुत आउटस्टैंडिंग लेक्चर है शिवाजी महाराज पर, तीन पार्ट में है वो, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा। And I got to know so many facets of his life, कि वो कैसे थे, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, वो जब कोई किला उनको बनवाना था तो किस तरीके का आर्किटेक्चर वो प्रेफर करते थे। These are very very small things. तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट, हम सबके पास सेम ही डेट है, सेम ही कैलेंडर है, सेम ही दिन है, सेम घंटे है, फिर कुछ लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मुझे उसका सबसे बड़ा रीजन आनंद फोकस ये लगता है, हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, एक चीज करने में हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, ये हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं जब फिल्म लिखता हूँ तो मेरा प्राइमरी फोकस ये होता है कि मुझे उस दुनिया में जाना है, मुझे उन कैरेक्टर्स, उन किरदारों के साथ कुछ वक्त बिताना है, थोड़ा रोमांस करना है उनके साथ, और उसके लिए मुझे टाइम देना बहुत जरूरी है। और ये एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है, हम इसे कर्ज भी बोलते हैं बहुत बार, क्योंकि बीवी कुछ बोल रही होती है और हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, हम लोग उस दुनिया में रहते बहुत बार। तो ये आम जिंदगी में हमारे रिलेटिव्स के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कह रहे सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ, और हम लोग उस दुनिया में रहते। तो मैं जो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा रूल फॉलो करता हूँ, ऐसा है कि फर्स्ट रूल है कि अगर वो चीज 5 मिनट में हो सकती है तो मैं उसी टाइम करता हूँ। देयर इज अ रूल कॉल्ड 5 रूल।
जिसमें ऐसा है कि एक काम आपके पास अगर है और वो अगर 5 मिनट में हो सकता है तो वो आप अभी के अभी खत्म कीजिए। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये स्मॉल विक्ट्रीज जो है ना वो आपको आगे बढ़ाती है कि ओके चलो मैंने ये क्लियर किया है। एंड सेकेंडली, मैं अभी मतलब दिखा नहीं सकता लेकिन व्हाइट बोर्ड मेरे सामने है और मैं हर 15 दिन का एक वर्क टास्क वहां पे लिख देता हूँ कि मुझे इन 15 दिनों में ये काम कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से क्या रहता है, जब भी मैं डेस्क पे आता हूँ तो मेरे सामने एक गाइडिंग मैप होता है कि ओके ये चीजें हैं जो मुझे अभी कैटर करनी है, तो इसमें से अर्जेंट कौन सी और इम्पोर्टेंट कौन सी है ये मैं डिसाइड करता हूँ। और मैं दिन की, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन की शुरुआत करते हैं कि हम फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं और बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद अभी काम शुरू करते हैं। लेकिन आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर यू डू योर एक्सरसाइज और मेडिटेशन और व्हाटएवर, आफ्टर यू फ्रेशन अप, उसके बाद अगर पूरी दुनिया जब शांत होती है तब अगर आप आपके काम के साथ एक साथ बैठ जाए तो उसके जैसा काम दुनिया में कभी नहीं होता। दैट इज वॉट आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माई राइटिंग, कि जब मैं डेस्क पे होता हूँ सुबह 6:30-7 बजे, कोई आसपास जगह नहीं होता, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सब शांत है, मेरे हाथ में चाय या कॉफी का कुछ मग होता है और मैं और मेरे कैरेक्टर्स, मेरी कहानी मेरे साथ होती है, तो आई थिंक उसके बाद जो 2-3 घंटे मिलते हैं ना वो पूरा दिन लैपटॉप पर बैठ के 11 घंटे बिताने के बाद भी नहीं मिलते। तो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम। एंड सेकेंडली, मुझे लगता है आनंद, टाइम मैनेजमेंट का और एक इम्पोर्टेंट रूल ये है कि एक चीज पर आप कितना टाइम गवा रहे हैं उसके बदले में आप क्या हासिल कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप एक चीज से जूझ रहे हैं तो हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि उससे बाहर निकल कर आना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, आई थिंक ये बात बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है क्षितिज, क्योंकि बहुत जरूरी है कितना खर्चा किया और उसमें क्या पाया, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनको मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस है वो भी आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, हम अभी क्षितिज के लिए क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, हम कम्युनिकेशन पे भी बात करने वाले हैं। क्षितिज, राइट, कमिंग बैक टाइम मैनेजमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किस चीज को प्रायोरिटी देंगे समझ में नहीं आता, तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए, उसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ये दो चीजों का एक करना चाहिए। और दिन में पहला काम जो सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको लगता है कि मुझे इससे अभी लड़ना है, इससे अभी भिड़ना है, तो वो काम आपको सुबह करना चाहिए। आप स्लोली स्लोली कर दोपहर के बाद, कहीं तो एक सब होने के बाद वो करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको शायद, मुझे ऐसा होता है कि घर से फोन आता है, किसी चीज का रिक्वायरमेंट आता है, घर में कुछ काम पड़ा होता है, तो वो सब चीजें धीरे धीरे आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। हालांकि मैं ऐसी परिस्थितियों में लिख चुका हूँ जहां पे मेरी मदर है वो डे केयर सेंटर चलाती थी घर में और 16 बच्चे थे मेरे इर्द गिर्द, और मैं बीच में बैठकर मैं स्क्रिप्ट लिखता था, तो मुझे डिस्टर्बेंस की वैल्यू मालूम है। डिस्टर्बेंस में लिखना भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस ना हो, एक इनर पीस हो, आप अपनी कॉन्सेप्ट या अपनी आइडिया के साथ पूरे पूरे उसमें पूरे एक रूप हो और उसके बाद कुछ अच्छा उभर कर आए, कुछ निखर कर आए, आई थिंक दैट इज द की मोमेंट। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट। राइट, आई थिंक ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर गूगल कैलेंडर हो, नहीं तो ऐसी कुछ बातें हो, आपने व्हाइट बोर्ड बोला, तो ये सब बातें यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज करते कहाँ कहाँ पे टाइम सेव हो सकता है वो भी सोच सकते हैं और वो सेव करना चाहिए। आज के टाइम में आपको ये करना जरूरी है कि जहां पे आप पहुंचना डिफिकल्ट है तो आप ऑनलाइन का यूज कीजिए और यू नो मार्क योर टाइम वेरी वेल, वो जो मार्किंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, क्षितिज, हाउ वुड यू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन, आप लिखते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन कैसे सुधर सकता है? आप एक राइटर हो तो बहुत सारी बातें ऐसा होता है कि मन में कुछ होता है और कह नहीं पाते हैं, राइट,
I will start with an Abraham Lincoln quote. उन्होंने कहा था कि जो लफ्जों की गड़बड़ होती है ना वो एक्चुअली ख्यालों की गड़बड़ होती है. तो मराठी में हम कहते हैं कि शब्दांचा गोंधळ हा विचारांचा गोंधळ असतो. तो फ्रॉम माय एडवर्टाइजिंग डेज मैंने तकरीबन 2006 से एडवर्टाइजिंग शुरू किया और अब तक कर रहा हूँ. अभी कुछ एजेंसीज के साथ मैं काम करता हूँ एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट एंड कॉपीराइटर. तो उसमें मुझे ये बात बहुत जरूरी लगती है कि हम सिनेमा में हमेशा 3 C's देखते हैं: कंटेंट, कॉम्बिनेशन एंड कम्युनिकेशन. आई थिंक कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट फैक्टर इन एनी बिजनेस, ऐसा मुझे लगता है. इन लाइफ मुझे अगर आप पूछिए आनंद की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज डेवलपमेंट में क्या है, तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की. जब तक दो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, वो कम्युनिकेशन नहीं बनता, तब तक हम लोग एक यूनिट या एक समाज नहीं बनते. विदाउट कम्युनिकेशन वी आर नथिंग. सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल, वेरी अंडररेटेड टूल. तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन करना, और मुझे इस बात से बहुत फैसिनेशन होता है, अभी भी होता है, आगे भी होता रहेगा मरते दम तक, कि कम्युनिकेशन इज अ ब्यूटिफुल टूल, इज अ ब्यूटिफुल टूल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट और इवन योर आइडिया. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट कि कम्युनिकेशन कैसे मैटर करता है. बहुत बार एडवर्टाइजिंग में कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिन्हें PSA कहा जाता है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स, जहां पर ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप कम से कम लफ्जों में बहुत अच्छी तरीके से कुछ सामाजिक आशय उन एड्स में से बाहर निकालें, जिनको बाद में पुरस्कार दिया जाता है. एक एड मैंने देखा था, एक लाइन था, बस उस एड में एक लाइन था, बाकी कुछ नहीं था, बट इट कम्युनिकेटेड सो वेल दैट इट ब्लू माय माइंड. इट वॉज रिटन कि 3 out of 100 पीपल इन इंडिया आर ब्लाइंड. 3 out of 100 people in India are blind and the rest can't see. So I think मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि this is the power of communication. अगर मुझे किसी चीज की तरफ लोगों का ध्यान बटोरना है तो मुझे वो चीज इस तरीके से कहनी पड़ेगी, इस तरीके से बोलनी पड़ेगी जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो. I think that is a very very fundamental thing in any business. कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं. मैंने अमेरिका में या परदेश में जो जो एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हुई है, बड़े बड़े कैंपेन्स हुए, उनका डिटेल स्टडी किया है, और उनमें कम्युनिकेशन में आपको लगेगा कि एडवर्टाइजिंग तो एग्जैजरेशन होता है, एडवर्टाइजिंग में तो बहुत ज्यादा फुला फुला के बोलते हैं, वो बर्गर भी छोटा होता है एक्चुअली, वो एड में बड़ा दिखाते हैं. तो एडवर्टाइजिंग को हम लोग लीगलाइज लाइन बोलते हैं. In other terms, we say it is a legalized line. But there is a big value in communication. It is called honesty. I'll tell you a small honest communication example and how it worked. There was a car rental service in America called Avis, A-V-I-S, and they were number 2 in the business. So वो क्या कर सकते थे कि वो बड़े बड़े होल्डिंग लगा सकते थे, वो बड़ी बड़ी चीजें कर सकते थे, वो कैंपेन कर सकते थे. उन्होंने ये कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, वी आर नंबर 2, दैट्स व्हाई वी ट्राई हार्डर. एंड दे डाइवर्सिफाइड दिस थॉट इनटू कि हम अभी 2 नंबर पे है, इसलिए हम लोगों को 1 नंबर पर जाने की जरूरत बहुत ज्यादा है. बिल्कुल. इसलिए हमारी डिलीवरी ऑन टाइम रहेगी, इसलिए हमारे कार के एस्ट्रेज में आपको सिगरेट के छींटे नहीं मिलेंगे, इसलिए हमारे सीट साफ सुथरे ज्यादा होंगे, इसलिए हमारी कार में सर्विसिंग टाइम टू टाइम किया जाएगा. दे रन दिस कैंपेन फॉर द एंटायर मंथ एंड आई डोंट नो फॉर 6 months आई गेस, एंड दे बिकेम नंबर 1. तो कम्युनिकेशन की पावर है, कम्युनिकेशन की पावर, इस कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. आई एम सेइंग ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. You know, there are very quirky communications also, like Subway's milestone campaign was sex likha tha bahut bade aksharon mein aur niche likha tha now that we have grabbed your attention come to Subway. So that is another way of communication, but mujhe lagta hai ki honesty is the best policy. Jaise Warren Buffett ne kaha hai ki you can't expect it from cheap people, because honesty is a very very valuable thing.
अमेजिंग आई थिंक एब्सोल्युटली. सो अगर आप ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं तो आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस आपको जितनी हो सके उतनी ऑनेस्टली बेचनी है. ये मुझे बहुत जरूरी लगता है. और शायद ऐसा हो उसमें स्मार्टनेस चाहिए, उसमें विट चाहिए, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन उसमें एक इनहेरेंट ऑनेस्टी चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि ऑनेस्ट प्रोडक्ट ही ऑनेस्ट सर्विस दे सकता है और ऑनेस्टली मार्केट को कैप्चर भी कर सकता है. आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इसेंशियल थ्रेड ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट इट हैज टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे ऐसा लगता है क्षितिज की क्लैरिटी जो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की क्लैरिटी के बारे में, तो क्लैरिटी के नीचे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑनेस्टी है. अगर आप ऑनेस्टी ऑनेस्ट रहेंगे तो आप क्लियर रहेंगे. Absolutely. और ऑनेस्टी ऐसी है कि आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि ये क्या है. एंड दैट्स वेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट कम्स इन एंटरप्रेन्योरशिप इज रैशनलिटी. ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी आइडिया पे जब काम कर रहे हैं, जैसे मैं किसी फिल्म के आइडिया पर काम करता हूँ और मैं पिच के लिए जाता हूँ बड़े स्टूडियो में. जैसे आप में से बहुत जो लोग हैं वो बड़िंग एंटरप्रेन्योर होंगे या फिर एंटरप्रेन्योर होंगे, आप प्रोडक्ट लेके या सर्विस लेके कहीं पे जा रहे हैं और आप इन योर फेस रिजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं. कोई बोलता है दिस इज बैड, ये वर्थ ही नहीं है, ये अच्छा ही नहीं है, ये वो ही नहीं. तो ये रिजेक्शन हासिल करने के बाद आप अगर इमोशनली वो अचीव करेंगे ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे. यू हैव टू टेक इट वेरी रैशनली. अगर आप उसको रिएक्ट होंगे तो प्रॉब्लम है, आप उसको रिस्पॉन्ड होंगे तो आपकी ग्रोथ होगी. बिल्कुल बिल्कुल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट होना और रिस्पॉन्ड होना. एक बहुत मजेदार वाक्य है, मैं ऐसे किस्सों में ही बात करता हूँ, मुझे लगता है इससे ज्यादा समझ में आता है. तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक रेस्टोरेंट में लोग बैठे थे और वहां पे एक कॉकरोच, उड़ता हुआ कॉकरोच आया, एक आदमी की गर्दन पे बैठा और वो जोर से चिल्लाया, दूसरे पे बैठा वो भी चिल्लाया, लड़की भी चिल्लाया और तीसरे के गर्दन पे वो बैठा. उसने कुछ नहीं किया, वो खाली बैठा रहा, वो कॉकरोच नीचे आया और अपने आप उड़ के बाहर चला गया. टू विच द सेड कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि एवर चेंजिंग टाइम्स में, एवर चेंजिंग नीड्स में आप कैसे रिस्पॉन्ड होते हो एक चीज को, that is very very important. और वो response through communication होना चाहिए. आप उस communication के जरिए कैसे respond होता है, that is very very important. I think बहुत लोगों को लगता है कि logo करने से या फिर brand के नीचे tagline लिखने से सब चीजें हो जाती. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. जैसे हम बोलते हैं कि किरदार की philosophy पहले बनती है, उसके बाद उसके dialogues बनते हैं. वैसे आपके ब्रांड की या सर्विस की फिलोसॉफी आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर बाद में उसको आप 10 लाइंस, 15 लाइंस, 5000 लाइंस बना सकते हो. वो टेंशन वाली बात नहीं है, वो हम लोगों का खेल है. हम कॉपीराइटर है तो हम लोग वो प्लम्बिंग वर्क है, वो इधर का इधर करके वो चार वर्ड्स एक साथ करके जस्ट डू इट ऐसा लिख देने. लेकिन आपकी फिलोसॉफी क्या है. जैसे मैं आनंद बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि स्टीव जॉब्स की फिलोसॉफी ये थी, व्हेन ही सेड कि आई वांट अ फोन with only one button in it. When a designer said कि you know मुझे मालूम नहीं, मुझे ये फोन जो है ना उसमें सिर्फ एक बटन चाहिए. And the designers were कि ये क्या बोल रहा है आदमी, मतलब ये नहीं हो सकता, it is impossible. And he said the phone should be the extension of the hand. That's where the philosophy part comes in. I think fantastic. That is very, very, very. If you see the example of McDonald's, I just saw a film called Founder. आप सब लोग भी देखिए, आप सबको लिए मतलब वो जिसे lesson बोलते हैं ना, learning lesson, वैसी फिल्म है वो कि how two brothers started McDonald's and how a failed salesman took it over from them and converted into a multinational, international chain. It is about that. और वो नैतिकता अनैतिकता के बारे में भी बात करती है, मोरालिटी इमोरालिटी इन द बिजनेस उसके बारे में भी बात करती है. तो आप जरूर देखिए वो फिल्म फाउंडर. उसी में भी ये इंसिडेंट है कि वो जिसने जो सेल्समैन है जिसने मैकडॉनल्ड को इस हद तक पहुंचाया है, वो एक टाइम पे लीगल केस में खड़ा रहता है वो ब्रदर्स के खिलाफ जिन्होंने मैकडॉनल्ड इन्वेंट किया.
और वो भाई बोलता है कि तू तो हमारे यहाँ पहले आ चुका था और तूने हमारा सब सिस्टम भी देखा था, लेकिन तूने वो कॉपी नहीं किया, यू डिडंट स्टील इट, और तूने अपना रेस्टोरेंट नहीं खोला, क्यों? टू विच द सेल्समैन वेरी एप्टली सेज, क्योंकि आपका नाम है इट्स मैकडोनल्ड्स. क्रुक्स जो है ना वो मैकडोनल्ड्स कभी बन नहीं सकता, बिकॉज इट्स द फैमिली फीलिंग, इट्स द वैल्यू ऑफ अ फैमिली मील विच यू गिव. आई कांट रिप्रोड्यूस दैट वैल्यू इन एनी अदर नेम. करेक्ट. आपकी सर्विस की, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और वो वैल्यू कम्युनिकेशन से बाहर कैसे आ रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहे थे क्षितिज, तो मुझे ऐसा एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बिजनेसमैन के मन में भी होता है कि ये जो कम्युनिकेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है. आपने कंटेंट के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में बोला, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, आपने ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत काम किया है, तो ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट के का कम्युनिकेशन एक होता है, और हम जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो एक अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है. तो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप्स रहती है और प्रॉब्लम्स होते हैं कम्युनिकेशन में, तो आपके हिसाब से कम्युनिकेशन में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? सो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू मी इज फिलोसॉफी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके कम्युनिकेशन में फिलोसॉफी अगर ना हो, फिलोसॉफी मतलब बड़े बड़े किताबों वाली फिलोसॉफी नहीं, आपकी जीने की बेसिक फिलोसॉफी अगर आपके कम्युनिकेशन में हो, तो आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स इन एवरीथिंग यू डू. जैसे अगर मेरे जीने की फिलोसॉफी इज कंपैशन, जिसे हम मराठी में सहानुभूति कहते हैं, तो अगर ये मेरी जीने की सबसे बुनियादी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये हमेशा, ये फिलोसॉफी हमेशा मेरे हर कम्युनिकेशन में रहेगी. And I think a good communication is always driven by a eternal philosophy. That is very, very important. आप वो philosophy जीते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हम लोग philosophy जी रहे हैं, लेकिन आप जीते हैं. आप जब सच्चाई से बात करते हैं, आप जब सच्चाई से कोई चीज कहते हैं, आप जब अच्छे और बुरे में अच्छे की तरफ आ जाते हैं, तो आप एक philosophy जी रहे होते हैं और वो हमेशा आपके communication से बाहर आती है. तो मुझे लगता है कि expressing yourself, that is one thing. Secondly, communicating yourself, what are you exactly feeling, what your product or your service is exactly looking for, what's the focus of it, and what you want to achieve through that. I think that is very, very important. बहुत बार हम लोग ये उससे क्या हासिल करना है ये बिना सोचे हम लोग वो चीज करते हैं. जैसे कि हम लोगों को एक मैथ्स का पेपर दिया है और हमें पता ही नहीं कि पेपर 100 मार्क्स का है या 150 का है, हम बस सॉल्व करते जा रहे हैं. और हमने सॉल्व हो गया और हमें लगा कि चलो ये दे दिया, एक्चुअली पेपर 150 का है, हमने 100 के हिसाब से सॉल्व किया. तो अगर 100 के हिसाब से 50 मिले तो आधे है, लेकिन 150 के हिसाब से मिले तो हम लोग फेल हो गए. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेयर द टर्म कॉल्ड टारगेट कम्स, यू नो व्हाट यू वांट टू टारगेट थ्रू योर कम्युनिकेशन. और ये सिंपल लाइफ में भी होता है कि आपको आपके घर वालों को क्या कम्युनिकेट करना है और उससे आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे दिन में 100 चीजें बेचनी है, एक मेरे पास प्रोडक्ट है उसकी 100 चीजें मुझे बेचनी है, तो माय कम्युनिकेशन शुड टारगेट दैट एम कि मुझे 100 चीजें बेचनी है. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी. क्षितिज, मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि टारगेट और गोल के बारे में एक राइटर और एक आर्टिस्ट बोल रहा है, क्योंकि ये जो दो बातें है ना वो बहुत ही अलग अलग होती है. ऐसा होता है कि ऐसा इसकी वजह ये है कि पहले मैं गोल था और मुझे बहुत लोगों ने टारगेट किया है. बिल्कुल. दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बट नहीं, इसकी वजह ही होती है कि हम लोग एडवर्टाइजिंग में जब काम करते हैं तो रिसर्च, मैं आप सबको, जो 8-10 लोग अभी सुन रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि रिसर्च इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग वी हैव. बिकॉज मैंने एक बहुत अच्छा सेशन अटेंड किया था यूट्यूब पे,
जहां पे उस महोदय ने कहा था कि एनी बिजनेस इफ यू सी एनी सक्सेसफुल बिजनेस एंड इफ यू क्रैक डाउन द कोड बिहाइंड इट, उसमें क्या सक्सेसफुल एलिमेंट्स थे, एक है क्वालिटी, एक है उसकी अवेलेबिलिटी, एक है मार्केट कंडीशन और एक है टाइमिंग। और आप सब चौंक जाएंगे सुन के कि उन सब में से 95% बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल वेयर बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। एंड टाइमिंग इज द सिंगल मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट दैट डिसाइड्स द फेल्यूर और सक्सेस इन एनी बिजनेस। और ये टाइमिंग कैसे अचीव करना है, इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर रिसर्च, टू डू रिसर्च अबाउट मार्केट कंडीशंस, व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर राइट नाउ, व्हाट दे वांट, इज देयर एनी स्पेस फॉर द थिंग आई एम डूइंग, इज इट एडिंग अप इन एनीथिंग। जैसे फिल्मों का है वैसे, मैं अगर किसी फिल्म पे काम कर रहा हूं तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि इससे मैं ऐसा क्या देने वाला हूं जो अभी तक दिया नहीं है, मैंने भी दिया नहीं है या किसी ने भी दिया नहीं है, ये दो चीजें। और अगर किसी ने दिया है तो मैं जो ये ऑफर कर रहा हूं ये उससे अलग कैसा है, जिसे एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन में आइडेंटिफाइबल डिफरेंस कहते हैं। नाइकी भी शूज दे रहा है और रिबॉक भी शूज दे रहा है, व्हाट इज द आइडेंटिफाइबल डिफरेंस, इज देयर फिलोसॉफी। बिल्कुल, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर फोकस ऑन, to keep your communication clear, to be rational about the service you're offering or product you're offering, and to be identifiably different with others which who are your competitors, right? Aur ek last question hai Kshitij, and it is about communication and language, right. Language ye to medium hai, hum jo bolna chahte hain uske bare mein एक मीडियम है जिससे हम पहुंचते हैं लोगों तक। तो रीजनल लैंग्वेज होता है, अगर हम मराठी है तो मराठी में बात करना, हिंदी से हमारा रीच बढ़ता है तो हिंदी में कॉन्वर्सेंट होना, इंग्लिश से हम इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कैसे है और बिजनेस में लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कैसे? मुझे लगता है लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चढ़ाई थी, बहुत बड़ी उसका, हम लोग जैसे कहते हैं ना मराठी में, उसका बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इन वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देसी इज द न्यू कूल एंड लोकल इज द न्यू ग्लोबल। सो अगर आप ये चीज पे फोकस करेंगे तो हमारा सिनेमा, हमारा नाटक, हमारा म्यूजिक, हमारी सब चीजें ज्यादा से ज्यादा लोकल होती जा रही है। 10 साल पहले हिंदी फिल्म का हीरो अमेरिका में पढ़ता था, आज वो बिहार की किसी गली में गाड़ी चला रहा था। दिस शिफ्ट हैज हैपेंड बिकॉज द शिफ्ट इन सोसाइटी हैज हैपेंड। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइटिंग में रूल है कि एज यू राइट मोर एंड मोर पर्सनल इट बिकम्स मोर एंड मोर यूनिवर्सल। We follow this rule. This is a thumb rule. We follow this. वैसे ही अगर आप ऐसी चीज बना रहे हो या फिर ऐसी ऐसी सर्विस बना रहे हो जो ज्यादा से ज्यादा लोकल है और आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनको अफेक्ट करने वाली है, then there's a large possibility that it will work. और भाषा उसमें एक छोटा सा जरिया है, इम्पोर्टेंट है लेकिन छोटा सा है, इसलिए आपको स्पेशलाइज्ड लोगों से वो सर्विसेस लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैं अपनी फिल्में हिंदी में लिखता हूं और मैं अंग्रेजी के लिए ट्रांसलेटर के पास देता हूं क्योंकि मुझे उस पर झगड़ना नहीं है। दैट इज नॉट माय कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, वन एंड सेकंड, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ आइडिएशन ऑन लर्निंग इंग्लिश। आई कैन पिच एन आइडिया, आई कैन नैरेट अ 4-pager, आई कैन डू दैट मच इन इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग 100 pages इन इंग्लिश, that is not my core competency and I very well know it. So to understand your limitations is the key to break those limitations. Fantastic. Yeah, and secondly, aap kisi bhi regional language mein kaam kar rahe ho, Marathi ho, Bihari ho, Tamil ho, Malayalam, there is a possibility that you cater the audience more emotionally, effectively through the mother tongue.
बहुत बार इंडियन एडवर्टाइजिंग को एक बहुत बड़ा स्कैम ऐसा हुआ है कि सब अंग्रेजी में होता है और वो फिर रीजनल लैंग्वेजेस में इतना भद्दा होके आता है कि हम लोग उसके मीम्स बनाते हैं। बट मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक आने का जो सफर है वो अगर हम लोग उल्टा करें, अगर आप सब बड़ी बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है तो आप माइक्रो से जाके मैक्रो तक जाए तो आपको तो बीच में 100 कॉपीराइटर्स मिल जाएंगे जो आपकी चीज को और अच्छा और बड़ा और बेहतरीन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। बट इसेंशियल फिलोसफी को लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, उसके एक्सप्रेशन को लैंग्वेज की जरूरत है। और उसके लिए मार्केट में लोग हैं जो आपको आपकी फिलोसफी अच्छी लाइन में बता के दे सकते। जैसे नाउ आनंद, यू आर अ सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर और यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू प्रैक्टिस माइंड एंड बॉडी, राइट? दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू वर्क ऑन। सो लेट्स से अगर आपकी सर्विस का हमें प्रोडक्ट बनाना है या फिर ब्रांड बनाना है तो वॉट वी कैन ऑफर एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इफ यू कम टू मेंट से कि मेरी फिलोसॉफी ये है कि मुझे माइंड और बॉडी ये दोनों चीजें आपको एक जगह पे अच्छी करके मिली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फिलोसॉफी मैं आप ही के लैंग्वेज में और ग्लोबल लैंग्वेज में प्रेजेंट करूं। दैट इज जॉब ऑफ अ कॉपीराइटर और एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो बाजार में हजारों है और जो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो जैसे मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट में बताना चाहूंगा कि मेरी बीवी, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, शी हैज अ फ्रेंड जिसकी जुहू में एक बहुत अच्छी जगह थी और जहाँ पे डांस प्रैक्टिसेस के लिए वो जगह देता था या फिर योगा करने के लिए वो जगह रेंट पे दी जाती थी। तो वन डे वी वेंट देयर, वी सॉ द प्लेस, इट वाज रियली नाइस एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट्स द सिचुएशन लाइक एंड ही सेड कि इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग, इट्स गुड बट इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट्स द नेम ऑफ द प्लेस एंड ही सेड सम सागर स्टूडियो। सो आई सेड इट डजंट रिंग द बेल इन माय माइंड अबाउट द प्लेस because if you have a prime property in Juhu, you have to sell it like a property in Juhu. So I suggested him the name, The Studio Juhu, which he just shuffled and said The Juhu Studio. And once he changed the name, after that he got so many inquiries and now he has the calendar completely filled. Almost 20 days a month, he has a filled calendar. Fantastic. So that small difference your communication makes, that's very very important. जैसे हमने लोकमत जब लॉन्च किया था गोवा में तो हमारे एक सीनियर आर्ट डायरेक्टर है योगेश देशपांडे, उन्होंने बहुत अच्छा लाइन कॉइन किया था कि प्रेक्षणीय गोवा था वाचनीय। It is a wonderful line created and through that campaign लोकमत became number one in गोवा instantly in the first month only. So that is the power of communication, that is the power of advertising philosophy, not the power of language. Language khel hai, wo hum log kar sakte. Fantastic. Kshitij, thank you so much. It has been absolute pleasure talking to you. Aapko, aapke saath baat karna, ye ek, mujhe aisa lag raha hai ki hum kabhi drive pe jaate hai to ek bahut alag tarah ka maza aata hai. To abhi barish ho raha hai to barish ka अलग मजा है, तो आपके साथ बात करने में ही इतना बहुत मजा आ रहा था। तो I would request one thing to you क्षितिज, कि आप अभी देयासरा फाउंडेशन के फैमिली मेंबर बन गए हैं, तो हम आपको बार बार बुलाने वाले हैं और यहाँ के जो उनके साथ में आप गप्पे मारने के लिए, डिस्कशन करने के लिए और उनके साथ में ये फोरम्स पे भी आप यू नो वेलकम है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यू हैव सेंड समथिंग इन द चैट बॉक्स। या आई हैव सेंड दिस टू ऑल ऑफ यू, साहिल, सतीश, जगदीश, प्रशांत, युतिका, जो जो लोग हैं। देयर इज अ बुक कॉल्ड ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, आप सब लोग ये जरूर पढ़िए। इट्स रिटन बाय डेविड ओगिलवी हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग, और ये ऐसा आदमी है, मैं जस्ट दो मिनट लूंगा लेकिन इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस सेशन आई बिलीव। डेविड ओगिलवी ने अपनी करियर की शुरुआत जब की तो उन्होंने एज एन इंटर्न एक कुछ कॉपीज लिखी
एक चीज को डिस्क्राइब करने की। आज वो कॉपीज जो है वो प्रोडक्ट मैनुअल करके बेची जाती है। He has written those copies so well that they become product manual. And in this book, he has written anything, everything about advertising, everything. And in that book, he mentioned that, you know, your customer is not a fool, he's your wife. So, आपकी वाइफ जिस तरीके बाजार में जाके जिस चौकन्नेपन से चीजें देखती है, लेती है, खरीदती है, वो चीजें आपको बनानी है और वैसी बनानी है, दैट इज योर एम, और वो बेचनी है। एंड डेविड ओगिलवी ऑलवेज बिलीव इन पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन टू दैट एक्सटेंट, टू एन एक्सटेंट। जब वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने एक हिल स्टेशन पे खुद का घर लिया। वो हिल स्टेशन के घर में बैठ के ये आदमी लोगों को खत लिखता था अबाउट एडवर्टाइजिंग, अबाउट लाइफ, अबाउट फिलोसफी। वो खत आना इतना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट को उस हिल स्टेशन का जो पोस्ट ऑफिस था वो बड़ा करना पड़ा, क्योंकि ही यूज्ड 6,000 लेटर्स अ ईयर। दैट्स द पावर ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। So you guys please do read Ogilvy on Advertising. It's the master class of advertising and it will clear everything in your mind about communication and product and service and benefits and everything. Fantastic. Yeah. Amazing. तो किसी को अगर questions है तो हम 2 मिनट रुक सकते हैं और questions ले सकते हैं। Right, बिल्कुल। You can also unmute your mic and ask the question if you would like. Right. As there are limited people, you can also maybe, you know, switch on your cameras. Yeah. If you would like. Yeah, Kshitiji. Hi. I have one question. Yeah, please. Which efforts did you take to improve your writing skills? Okay. I read a lot. That is the first thing. I went away from writing. I saw life. I saw different parts and areas of life. I met new people. I tried to explore all the things which I could in my early 20s and 20s. And that made me into a certain kind of a philosophy of openness, of compassion. And in a sense that I could do maximum work which is relevant, relatable and responsive to the current situation. So I watched many movies, I read a lot, I traveled a lot. And see, skill is something which comes to you when you practice. Aap jitni zyada practice karoge usse wo aapka skill badhta jayega, but वो स्किल के पहले एक चीज होती है, दैट इज डेवलपिंग योर कोर आइडियाज, वैल्यूज, फिलोसफी। आई थिंक जिसे हम मराठी में समझ कहते हैं ना, आपकी समझ बढ़ाना, तो वो समझ बढ़ाने के लिए मैंने बहुत साल खर्च किए और उसके बाद स्किल आता चला गया। जैसे मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़े, लोगों की फिल्में देखी, इंटरव्यूज देखे, या फिर बातें की लोगों से, या फिर मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ कि जो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे उन्होंने सबसे ज्यादा सिखाया, जो पढ़े लिखे थे उनकी उनके अलावा। So these few things which I really learned from my early 20s and mid-20s, and they helped me become a better person first and then I become a writer, then a better writer. Bahut badhiya. Thank you, sir. Thank you. Great. Thank you, Anand. Yeah, this matlab is platform ke zariye ek cheez batana chahunga ki maine Marathi mein aur abhi Hindi mein bhi main expand kar raha hu. Maine first community ki hai writers ki, जिसको हमने राइटर फर्स्ट नाम दिया है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग के अप्रोचेस के बारे में ये यूट्यूब चैनल बोलता है, तो इसमें एडवर्टाइजिंग भी एक पार्ट है जो हम लोग आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल कि आप सब लोगों को अगर आइडियाज, राइटिंग और कम्युनिकेशन फैसिनेट करता है तो दिस इज अ चैनल फॉर यू ऑल। इट्स कॉल्ड राइटर फर्स्ट बाय क्षितिज पटवर्धन एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। Fantastic.
And wish you all the best, Kshitij, on the channel. You. And I'm sure that it's going to go crazy and logo ko bahut pasand aane wala hai. Already pasand aa gaya hai. And aapke bahut followers pehle bhi hai. So let's keep in touch and let's connect soon. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And don't forget to create your one-liners. Yes, everybody is requested to create their one-liners. Like, I would like to see those, and I would like to give my views on those. I'd like to repair them. Fantastic. Yeah. Thank you so much. We'll have that session. Thank you. Bye-bye. Thank you.